चलिए सर। सर जैसा कि मैंने कहा कि आने वाली क्लासेस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नो टैक्स क्या है। देखो टैक्स टैक्सेशन पेपर में आप जब आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है नया सब्जेक्ट है ये, आप फाउंडेशन में कुछ भी नहीं पढ़े हैं टैक्स के बारे में। तो आई एम द टीचर, बेसिकली आई एम द वन कि जो मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, प्रोबेबली ये जो पार्ट ए पार्ट बी है ये सेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद थोड़ा सा ये जो इसी का जो अगला पार्ट मुझे डिस्कस करना है, बोथ ग्रुप की बातें करनी है, आपकी सर्विसेज की बातें करनी है, उसके बाद जो हमारा एक्चुअल में डिस्कशन स्टार्ट होगा टैक्स पेपर को लेके, उसमें बताऊंगा व्हाट इज टैक्स, डीटी क्या है, आईडीटी क्या है, डिफरेंस जीएसटी कस्टम का डिफरेंस, कस्टम कब ड्यूटी देना पड़ता है, जीएसटी ड्यूटी टैक्स कब देना पड़ता है, इनकम टैक्स कब लगता है ना, सारी बातें खोल के रखेंगे आपके सामने। लेकिन फिलहाल जो आपका टॉपिक है, जैसे आपके सिलेबस में आप क्या पढ़ते हो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पढ़ रहे हो आप 50-50 मार्क्स के लिए। मैं खाली एक कनेक्शन देना चाहता हूं, हम क्या बनने जा रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था क्या टैक्स में हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं, हमें लगता है कि टैक्स इज नॉट आर एरिया टू वर्क, है ना, हमें लगता है कि CMA को टैक्स में कम अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब में काम करने को। ये सब बातें पास्ट थी, अब ऐसा नहीं है। आज के दिन हमें भी टैक्स में अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने को, चाहे वो ट्रेनिंग हो और या फिर CMA बनने के बाद इंडस्ट्री में हो या फिर प्रैक्टिस में हो। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले जब इंस्टीट्यूट सीरियस ही नहीं था टैक्सेशन को लेके सिलेबस के अंदर, सर सिलेबस 2016 से पहले जो था 2012 सिलेबस, मैंने जो CMA का बैच लगाना शुरू किया अलग से स्टूडेंट्स के साथ वो 2012 सिलेबस से लगाना शुरू किया। पहले फाइनल में 100 ही मार्क्स का पेपर होता था, 50 मार्क्स का DT 50 मार्क्स का IDT CMA फाइनल में 2016 के भी पहले वाले सिलेबस, अभी हम 2022 में हैं, इसके पहले 2016 और उसके पहले 2012, हर 4 साल में सिलेबस चेंज होता है। लेकिन 2020 की जगह 22 में आया क्योंकि कोरोना के कारण वो इफेक्ट हो गया हमारा 2-3 साल, ठीक है। अब आगे जो नॉर्मल शेड्यूल है वो 2024, लेकिन 2024 में कोई सिलेबस नहीं आएगा, मान के चलो 2022 अभी चल रहा है तो 2026 में ही आना, उसके पहले तो सिलेबस चेंज नहीं होना है ना सर। 2012 में CMA फाइनल में सिर्फ 100 मार्क्स का टैक्स था और उसी में 50 मार्क्स का DT और उसी में 50 मार्क्स का IDT। तो जब वो सिलेबस पढ़ के CMA आप बने और इंडस्ट्री में आए तो क्या ही आपको टैक्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने काफी वेटेज दे रखा है इंटरमीडिएट लेवल पे भी एज वेल एज फाइनल लेवल पे भी, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं टैक्स सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है क्लास के अंदर भी, ट्रेनिंग में भी, और CMA बनने के बाद भी, चाहे आप जॉब करो या अपना प्रैक्टिस करो। वही थोड़ा मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, थोड़ा आपको मोटिवेशन मिले, वरना आप फिर क्या करोगे, टैक्स को टाइम पास मानोगे कि किसी तरह 40 आ जाए और आपका सारा का सारा ध्यान किस में रहेगा, कॉस्ट और अकाउंट्स में स्कोर करने के लिए। जबकि ऊपर टारगेट मैंने बना दिया है, चाहो तो आप 70 से 85 का स्कोर ला सकते हो, किसमें, इस टैक्स के पेपर में, मैं आपके साथ हूं। सर इंडिया में जो टैक्स का सिस्टम है वो दो सिस्टम है इंडिया में जो टैक्सेशन का सिस्टम है इंडिया में, जो इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का पैसा आता है एज ए रेवेन्यू, वहां दो सिस्टम है हमारे पास, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। There are two type of tax system in India. One is called direct tax, another is called indirect tax. Best part क्या है कि दोनों हमें इंटर में पढ़ना है, शुरुआत हो गई। ऐसा नहीं है कि एक अभी पढ़ लेंगे और एक हम बाद में फाइनल में पढ़ेंगे, है ना। तो सर जब आप इंटर में आ गए हैं पेपर 7 की हेल्प से आप क्या पढ़ रहे हैं, ग्रुप 1 में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक। अब जब आप आगे फाइनल में जाएंगे तो फाइनल में यही दोनों पेपर जो अभी आप साथ साथ पढ़ रहे हैं 50-50 मार्क्स के लिए, ये अलग हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स अलग 100 मार्क्स का हो जाएगा ग्रुप 3 के अंदर
और इनडायरेक्ट टैक्स अलग हो जाएगा आपका ग्रुप फोर के अंदर 100 मार्क्स का, 100 100 मार्क्स के ये आपके दो पेपर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भी क्या चाह रही है कि जो आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे आगे, तो आपके पास टैक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए ताकि आप इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकें, चाहे आप जॉब करें या प्रैक्टिस करें। सर अगर सिर्फ इंटर में टैक्स पढ़ना होता, आप कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हैं ठीक, सिर्फ इंटरमीडिएट में टैक्स पढ़ना होता, फाइनल के सिलेबस में टैक्स नहीं होता, तो मैं आपको क्या बोलता, बस किसी तरह खींचकाच के टैक्स में पास कर जाओ, जैसे तुम मैथमेटिक्स क्वांटिटी वाले पेपर में पास किए फाउंडेशन लेवल पे, मैं ऐसे कहता। लेकिन मेरा वो टारगेट नहीं है। मैं क्या चाहता हूं, आप अच्छा सीखो, डीटी हो या आईडीटी, अच्छा लर्न करो मेरे से, अच्छी मेहनत करो, अच्छा स्कोर करो, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आगे जाओ, इंटर पास करने के बाद जब आप आगे जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए सीएमए की फॉर्म में इंडस्ट्री में, और वहां जब आपको टैक्स में काम करने को मौका मिले तो करो, डरो नहीं, अरे मुझे तो ये नहीं आता है, नहीं करो। सूरज सर ने पढ़ा रखा है डीटी में, सूरज सर ने आईडीटी में पढ़ा रखा है, थोड़ा सा हेल्प वहां से ले लेंगे, थोड़ा ऑफिस में सीख लेंगे, ये काम कर लेंगे, तो ट्रेनिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फाइनल में फिर पढ़ना ही पढ़ना है आपको, डायरेक्ट टैक्स ग्रुप थ्री के अंदर पढ़ना है पेपर 15 और इनडायरेक्ट टैक्स पेपर 19 पढ़ना है ग्रुप फोर के अंदर। जब आप अपना सीएमए का सिलेबस देखोगे तो ग्रुप वन ग्रुप टू है इंटर में, फाइनल में फिर ग्रुप थ्री और ग्रुप फोर है ना। तो जब आप पेपर के सब्जेक्ट के वो टॉपिक के नाम सब पढ़ोगे, चलते हैं एक बार देख लेते हैं, यहां पर शायद मैंने निकाला हुआ है, ये देखो ये चार पेपर अगेन आपके फाइनल में है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो देखो पेपर 15 आपका यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स एंड एक टॉपिक नया ऐड हो जाता है इंटरनेशनल टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है लेकिन एक अच्छा एरिया है डायरेक्ट टैक्स में काम करने को, इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया मैं आगे इंटरमीडिएट में एक चैप्टर है हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस इसमें दूंगा। बट फिर से देखो जब आप फाइनल में पहुंचते हो तो आपको ग्रुप थ्री में चार पेपर देने होते हैं, जिसमें से एक पेपर डीटी ही है 100 मार्क्स का, और उसमें एक नया टॉपिक ऐड हो जाता है क्या, इंटरनेशनल टैक्सेशन। और ऐसे जब आप ग्रुप फोर में पहुंचते हो तो देखिए यहां पे पेपर 19 है इनडायरेक्ट टैक्स एंड प्रैक्टिस। सर फाइनल में इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी कस्टम दोनों पढ़ना है, थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना होता है ठीक है, काफी सारे चैप्टर एक्स्ट्रा हो जाते हैं कस्टम में, काफी सारे चैप्टर एक्स्ट्रा हो जाते हैं जीएसटी में, यानी बेस यहां बन रहा है, एडवांस लेवल की चीज आप आईडीटी में जीएसटी कस्टम में फाइनल में सीखेंगे 100 मार्क्स के लिए। वैसे ही डायरेक्ट टैक्स में बेस आपका इंटर में बन गया, फाइनल में आप उसको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, और एक आपका टॉपिक और ऐड हो जाता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो इनकम टैक्स एक्ट का ही पार्ट है। हम इनकम टैक्स के लिए क्या पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आने वाली क्लास में यह भी बताऊंगा। बस दो तीन क्लास और ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हां थोड़ा सा आपको यहां ध्यान रखना है कि टैक्सेशन एक बार जब आपका इंटर में स्टार्ट हो गया तो क्या ट्रेनिंग में हमें मौका मिलेगा टैक्स में काम करने को सीखने को, आंसर इज यस, मिलेगा। खाली तुम इंटरेस्ट तो क्रिएट करो इंटरमीडिएट लेवल पे, अच्छा स्कोर तो करो, अच्छे से पढ़ाई तो करो, ट्रेनिंग में काम मिलेगा करना चाहोगे कब, जब पढ़ाई करोगे इंटरमीडिएट में तब, और फाइनल में तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा, ग्रुप थ्री में भी है ग्रुप फोर में भी है, तो थोड़ी तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं आपको यहां कहना चाह रहा हूं। अब जैसे मान लो फाउंडेशन में आपने एक पेपर पढ़ा, कौन सा पेपर 3 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बोल के डायरेक्ट कोई चैप्टर आपको अब नहीं है, कोई टॉपिक कोई चैप्टर आपका नहीं है अब कहां, इंटरमीडिएट में और फाइनल में। हालांकि जो आपने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट आपको इंटर फाइनल में काम आएंगे, लेकिन मैथ्स बोल के कोई पेपर नहीं है इंटर में और कोई पेपर नहीं है फाइनल में। तो जो कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं, मैथ से डर लगता है, तो आपने यहां क्या सोचा, अरे खाली चलो ये मैथमेटिक्स फाउंडेशन में, ये इंटर फाइनल में तो नहीं है, किसी तरह हम फाउंडेशन पास कर जाते हैं, और पास कर गए, ये आगे आपकी जर्नी में नहीं है, तो हम मेहनत किए पास कर गए, चलो पीछा तो छूटा, ऐसा एक फील आया। लेकिन टैक्सेशन में ऐसा कोई फील नहीं आने देना है आपको, क्योंकि इंटरमीडिएट में भी पढ़ना है और आपको आगे फाइनल में भी पढ़ना है, तो मेहनत
फर्स्ट डे से कर लो। देखो आज से तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुमको फाइनल में पास करने में दिक्कत होगी, और तुम एक बार अपने मतलब अपने एरिया में, अपने सर्कल में ये पूछो। सिंपल, तुमको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था क्या पूछने के लिए कि ग्रुप वन में सबसे हैवी पेपर कौन सा, हैवी जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा कोर्स को कंप्लीट करने में, कौन सा पेपर है। तो जब आप सबसे आएगा पेपर 7, ऐसे ही तुम मार्केट में निकलना और पूछना कि फाइनल में कौन सा ग्रुप इजी है, ग्रुप 3 या ग्रुप 4। तो सभी बोलेंगे ग्रुप 4 इजी है ग्रुप 3 के कंपैरिजन में, एक जवाब। और दूसरा, तुमको अगर मौका लगे सीएमए के सीनियर लोगों से बात करने का, जो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, जो सीएमए बन चुके हैं, उनसे अगर कहीं पे आपको मौका मिले या फाइनल के फैकल्टीज से मौका मिले, तो तुम ये पूछना दो सवाल कि ग्रुप 3 ग्रुप 4 में इजी कौन है। तो जवाब क्या आएगा अभी सुन लो, ग्रुप 4 इजी है ग्रुप 3 के कंपैरिजन में। फ्यूचर में जब तुम फाइनल में जाओगे तो तुमको भी यही सजेशन मिलेगा। एंड तुम अगर ये पूछोगे कि ग्रुप 3 में बच्चे पास क्यों नहीं करते हैं, फाइनल में जो ग्रुप 3 है उसमें बच्चे क्यों नहीं पास करते हैं, तो जवाब एक ही आएगा कि भैया एक पेपर है टैक्स नाम का, डायरेक्ट टैक्स, वो बच्चों को बहुत रुलाता है। अगर बच्चे का ग्रुप 3 नहीं निकल रहा है तो उसका एक ही रीजन है टैक्स। तो जब आप इंटरमीडिएट में टैक्स से भागते हो, जब आप इंटरमीडिएट में टैक्सेशन के पेपर से भागते हो मतलब सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, 40 के भरोसे बैठे हो, तो फिर ये चीज आपको फाइनल में रुलाएगी। और अपने को सीएमए इंटर क्लियर नहीं करना है, सीएमए बनना है। तो थोड़ा ये जर्नी को ध्यान रखना, इंटरमीडिएट ट्रेनिंग फाइनल, और अपना टैक्सेशन हर जगह टच करता हुआ जा रहा है, जिसकी नींव अब रखी जा रही है पेपर 7 की हेल्प से। सर क्या एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट जब हम सीएमए आगे बनेंगे तो क्या हमारी अपॉर्चुनिटी है? डायरेक्ट टैक्स में भी है और इनडायरेक्ट टैक्स में भी है। आज से 10 साल पहले नहीं थी, आज से 15 साल पहले नहीं थी, आज है और आगे भी रहेगी। सर ज्यादा किस में है? तो यहां मैं थोड़ा सा बायस्ड हूं, मैं हमेशा कहता हूं जनरली कि इनडायरेक्ट टैक्स में अपॉर्चुनिटी बच्चों को ज्यादा मिलती है, मतलब ओपनिंग्स। मान लो सीएमए बनने के बाद या ट्रेनिंग के पीरियड में, जब इंटर से आप फाइनल में पहुंचोगे, ट्रेनिंग के लिए जाओगे, या फिर सीएमए बनने के बाद जॉब, तो जो ओपनिंग्स निकलती है, मान लो कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए, अगर मान लो टैक्सेशन में वैकेंसी निकली है, तो ज्यादा चांस है कि इनडायरेक्ट टैक्स में आपको लिया जाए। मतलब कुछ मिला कुल मिला के ऐसे है कि डायरेक्ट टैक्स की अगर ओपनिंग है तो हम सीए को कॉल कर लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स की ओपनिंग है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, सीए नहीं तो सीएमए ही सही। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने ठान लिया है कि सर मैं तो आगे काम करूंगा डायरेक्ट टैक्स में, ट्रेनिंग लूंगा डायरेक्ट टैक्स में, और आगे सीएमए बनने के बाद मैं डायरेक्ट टैक्स में ही परस्यू करूंगा अपना फ्यूचर, तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी। अगर मान लो 100 ओपनिंग आई है सीएमए के लिए, तो 10 टैक्स से रिलेटेड होंगी और उसमें एक दो ही डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड होंगी, तो तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये तुम सोच लो, उस डायरेक्ट टैक्स की जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं उस जॉब को लेने के लिए। तो ओवरऑल जब आप ये टैक्स की जर्नी करते हो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, इंटर लेवल पे, ट्रेनिंग में, फाइनल में, तो सर हमारे को अपॉर्चुनिटी ज्यादा कहां मिलती है? इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स। बट जब तुम ट्रेनिंग में जाते हो या जॉब में जाते हो या फिर प्रैक्टिस में जाते हो, तो क्या हम दोनों में काम नहीं कर सकते? कर सकते हो, डीटी में भी काम कर सकते हो, आईडीटी में भी काम कर सकते हो। सर तुम डायरेक्ट टैक्स में ट्रेनिंग कर सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स में भी ट्रेनिंग कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस खोलना चाहते हो फ्यूचर में सीएमए बनने के बाद, अपनी ऑफिस चाहते हो, टैक्स का काम करना कर सकते हो, डीटी आईडीटी कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी अगर हम मार्केट में कंपेटिटर्स देखें कि भाई एडवोकेट भी हैं, लॉयर्स भी हैं, आपके एमबीएस भी हैं, सीए भी हैं, सीएस भी हैं, फिर हम हैं, मान लो 5-6 प्रोफेशनल्स हैं, सीए, सीएमए, सीएस, एलएलबी, एमबीए, एडवोकेट्स। अब इन सब में अगर मान लो मुझे टैक्स का काम करना है, चैलेंज तो है, क्योंकि नाम कॉस्ट अकाउंटेंट है और हम उतने फेमस भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास्ट में लोगों ने मेहनत नहीं की। जो हमारे सीनियर कॉस्ट अकाउंटेंट हैं उन्होंने टैक्सेशन के लिए मेहनत नहीं की, उन्होंने मार्केट में
एक इमेज नहीं छोड़ी कि भाई अगर टैक्स का काम करना है तो कॉस्ट अकाउंटेंट को भी हायर कर लो। किसकी गलती है? मे बी हमारे कोर्स की गलती है, पहले के कोर्स की, पहले के हमारे सीनियर्स की। लेकिन अब आपको इतना सारा टैक्स पढ़ के सीएमए बनोगे तो अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तो आप तो उसको ग्रैब तो करोगे ही ना, ये मेरा कहना है। चैलेंजेस हैं, लोग तुम्हें कंपटीशन देंगे। मान लो तुम्हें कॉस्ट से रिलेटेड काम मिल रहा है तो तुमको अपॉर्चुनिटी पहले मिलेगी, सीए और या सीएस को नहीं मिलेगी। लेकिन मान लो कोई सेक्रेटरियल जॉब है, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई सेक्रेटरियल जॉब है, तो किसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी? सीएस को। अगर मान लो कोई ऑडिट से रिलेटेड काम है, टैक्स से रिलेटेड काम है, तो अपॉर्चुनिटी किसके पास ज्यादा है? सीए के पास। सिर्फ उसी के पास है ऐसा नहीं है, तुम भी ले सकते हो ये अपॉर्चुनिटी, तुमको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। और मैं आपके साथ हूं, मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम्हारे साथ हूं, तुम क्या बनने जा रहे हो? कॉस्ट अकाउंटेंट, मैं इतना कहूंगा। ठीक सर, फाइनल में अभी अभी मैंने बताया कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डायरेक्ट टैक्स में चैप्टर्स बढ़ जाते हैं, थोड़े से इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी कस्टम में चैप्टर्स बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स में एक प्यारा सा पेपर बढ़ जाता है, क्या प्यारा सा टॉपिक इंटरनेशनल टैक्सेशन। हम आगे अपने सिलेबस में रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्स में, मैं उसमें बताऊंगा इसके बारे में। और सर कस्टम में एक और बात ऐड हो जाती है, क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफटीपी बोलते हैं, ये भी बात ऐड हो जाती है। ठीक है सर, तो ओवरऑल मिला जुला के इस जर्नी को प्यार से आगे बढ़ाना है और परेशान नहीं होना है। मैंने आज जो भी बताया या अगला जो सेशन होगा हमारा पार्ट भी, उसमें जो भी बताऊंगा, सिर्फ आपको एक आप एक टैक्स से रिलेटेड डिसिप्लिन में रहो, सीरियसनेस आपके पास रहे, पढ़ाई करने जाओ तो टैक्स भी पढ़ो, इन सब चीजों के लिए ही मैं आपको ये सब बता रहा हूं। मान लो आपके पास अकाउंट्स है प्रैक्टिकल, ग्रुप वन में कॉस्ट है प्रैक्टिकल, अब दो दो प्रैक्टिकल पेपर है, फिर टैक्स को नहीं पढ़ोगे तो आगे फिर वही होगा, जब नहीं पढ़ोगे तो 60 भी नहीं आएंगे, 50 भी नहीं आएंगे, पता चला अब 40 भी नहीं आए, और जब 40 नहीं आएंगे तो मैं बोलूंगा फिर तुमने मेरे से क्लास ही क्यों ली, ये तो खुद से पढ़ लेते अगर तुमको 20-30 मार्क्स स्कोर करने थे टैक्स में तो। एनीवे, एक आइडिया देना था मुझे कि भाई अगर टैक्स आप इंटर में मेरे साथ पढ़ रहे हो तो क्या आगे फाइनल में भी टैक्स पढ़ना है? आंसर इज यस, जाके तुम ग्रुप 3 के सब्जेक्ट और ग्रुप 4 के सब्जेक्ट देख लो। बात रही अपॉर्चुनिटी की, तो नॉलेज के साथ जब तुम आगे बढ़ोगे, एक है कि तुमको नॉलेज है डीटी और आईडीटी की, पढ़े हो तुम क्लास में, अच्छा स्कोर है, और एक है कि तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन है कि तुमको टैक्स में ही काम करना है, तो तुमको आगे मौका जरूर मिलेगा, चाहे डीटी हो या आईडीटी। ऑफर तुमको आईडीटी में ज्यादा मिलेंगे, तो तुमको जाना डीटी में है तो तुमको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। एज अ टैक्स टीचर मैं तुमको यही कहूंगा लास्ट में जाते जाते, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इंट्रोडक्शन सेशन था ये, रेगुलर बैच की पहली क्लास, पहली बार आप मेरे से जुड़ रहे थे तो थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि सब्जेक्ट कोर्स पेपर के बारे में बता दूं, और काफी बार बच्चे इसको सीए से मिक्स कर देते हैं तो काफी जगह मैंने थोड़ा सा डिफरेंस भी बताने की कोशिश की। और भी बातें आपके साथ करनी है, कैजुअल बातें, इसके पार्ट बी में करूंगा। उसके बाद जो हमारे लेक्चर्स चालू होंगे उसमें हम डिटेल्ड में डिस्कशन करने के लिए जाएंगे अपने सब्जेक्ट को, हम एग्जाम्स से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, टैक्स में जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स के अंदर जाएंगे, फिर अंदर काफी सारे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हुए हम अपने कोर्स को आगे ले जाएंगे। ठीक सर, एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर, आपको कुछ भी मालूम नहीं है अपने सिलेबस के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो आई थिंक आज की क्लास आपके लिए प्रोडक्टिव रही होगी, राइट? बाकी मैं छोटा सा सेशन और अगली क्लास में लूंगा, ग्रुप वन बोथ ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, थोड़ा सा अपनी फैसिलिटीज के बारे में बात करूंगा, थोड़ा सा बात करूंगा कि आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हैं डाउट्स में, राइट? और थोड़ा सा कोर्स से रिलेटेड कुछ टैक्स में ये रेलिवेंट होते हैं उसकी बात करूंगा। ठीक, मिलते हैं अगले सेशन में इंट्रोडक्शन पार्ट बी में। देखो यहां कुछ लिखना है क्या? ये तो लिख ही चुके थे, डन, वीडियो रोक के लिखा, डन। ऐसे नहीं सोचना है, आखिरी में जाते जाते ऐसे नहीं सोचना है कि भाई जो मार्केट में ग्रूमर है
कि भाई टैक्स का काम तो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ही अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे काम पढ़ाई करके या क्लास में लर्न करके या इसके बारे में सीरियस रह के और ट्रेनिंग लेके। जब बच्चा ये मन बना लेता है ना कि ये टैक्स तो भाई सीए लोग ज्यादा है ना काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे पढ़ के, हम तो अकाउंट्स पढ़ते हैं, कॉस्ट पढ़ते हैं, तो फिर बच्चा इंटर तो किसी तरह निकाल लेता है, दिक्कत आती है फाइनल के ग्रुप थ्री में। तो अगर तुम्हें स्मूथली कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है तो तुमको आज से अभी से ही टैक्सेशन सब्जेक्ट को सीरियसली लेके आगे चलना होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।